हेलो भैया जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमपी सिंह के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, बाबू बेटू आज दोनों आप लोगों के साथ में हैं। बाबू बेटू का क्या कहानी है आप लोगों को हम लोग आगे चल के बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या है कि अभी हम लोग दमन के अंदर में हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ के समुंदर। अभी दूसरे बीच में है, आप लोगों को तिथल बीच दिखाए, झमपुर दिखाए, नानी दमन दिखाए, उदवाड़ा समुद्र दिखाए। आज है एक नए लोकेशन पे और आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चलते हैं और पब्लिक के बीच में कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, कैसे बोला जाता है फ्रैंकली बिना डरे हुए किसी से, तो दोनों लोग हम लोग मिल करके ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। जाइए, सब्सक्राइब करिए और आइए चलते हैं आप लोगों के साथ में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ क्या मिलता है और क्या दिखाने लायक है आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, वो चीज़ आप लोगों को आगे पता चलेगा। और दोस्तों, आप बने रहिए कंटिन्यू और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। कंटिन्यू देखेंगे ही, क्योंकि अपने मतलब परिवार जैसे जुड़ चुके हैं आप लोग और अच्छा खासा प्यार मिलता है आप लोगों को देखते हो, तो इसीलिए हम लोगों को लगता है यार कंटिन्यू रखें। तो चलो, मोटिवेट होते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो भाई, इस किले को हम लोग करते हैं विदा, लेते हैं यहाँ से, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या देखने लायक है आप लोगों को दिखाने लायक। प्लान बनाया ही है कि समुद्र किनारे जाते हैं घूमने घामने के लिए। बने रहो कंटिन्यूसली इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम लोगों को यहाँ से नानी दमन जाने का सोच रहे थे, तो अभी वहाँ के लिए हम लोग रास्ता पूछ रहे हैं लोगों से। तो कुछ लोग क्या बता रहे हैं, कुछ लोग क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक दो शॉप हैं, तो चल के यहाँ पे पता करते हैं। तो हम लोग फालतू में भटक रहे थे, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए नानी दमन के लिए रास्ता इधर से दिखाया जो कि ये वाला रास्ता है, और मोती दमन के लिए ये वाला रास्ता जो कि उस साइड से है फोर्ट के किनारे से, और लाइट हाउस भी इधर ही है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं। एक ऑटो वाले से पूछे 80 रुपये बोल रहा था, तो मैं बोला जब एक किलोमीटर आधा किलोमीटर है तो पैदल ही चल के अपन लोग चल लेंगे, क्यों 80 रुपये देने का। सो चलिए दोस्तों, बने रहिए कंटिन्यूसली, चलते हैं। आज मोती दमन दिखाते हैं आप लोगों को। नानी दमन तो दिखाया, झमपुर दिखाया, और फाइनली मोती दमन बाकी रह गया था, वो भी इस सीरीज में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं ये किले के चारों तरफ जो बाउंड्री में पानी भरा गया है, मतलब गड्ढे टाइप का बनाया गया है चारों तरफ से, ये किला है बगल में, और यहाँ ये देख सकते हैं चारों तरफ पानी भरा है। ये क्या है ना, दुश्मनों को मतलब किले के अंदर अटैक ना कर पाने के लिए, ताकि दुश्मन उससे बाहर ही रहें और वहाँ से अंदर आके अटैक ना करने पाए, इसके लिए वो सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ठीक है। और देखिए बगल में किला है, किला के फाइनली ब्लॉग हम लोगों ने अपलोड कर ही दिया है। यहाँ पे आने के बाद नारियल का पेड़ वगैरह देखने के लिए मिल जाया करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारे गांव में तो ऐसा कहीं एक भी नारियल देखने को मिलता नहीं है। जल्दी मोती दमन के वाले रास्ते में हैं, अभी चल ही रहे हैं फाइनली, तो चलो पैदल पैदल चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे हम लोग ऊपर ऊपर गए हुए थे, इंट्रो बनाए थे तो वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से उतरने के कहीं से रास्ते ही नहीं है, फिर हम लोगों ने 1 किलोमीटर पीछे गया, वहाँ से इसके बाद वापस आया है। आओ ब्लॉग में देख रहा आजाना। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग समुंदर बीच के किनारे नानी दमन के पास पहुंच चुके हैं, मोती दमन के पास गाइज। हाँ, मोती दमन पहुंच गया। देख सकते हैं पीछे नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पानी का ही मतलब है। इधर समुंदर में तो हमेशा पानी ही रहता है, तो अभी आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा छाया मिला, तो हम लोग बैठ करके खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे थे। सो अब अपन लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं और चलते हैं आगे की तरफ। अभी कुछ यानी गला वाला सूख रहा है, तो चल के पानी वानी पीते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वो सफ़ेद सफ़ेद बड़ा सा टावर जैसे कुछ दिख रहा है जो कि घूम रहा है ना, वो क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मुझे नहीं पता, चल करके किसी से पता करते हैं और पूछते हैं। इससे भेल खाएंगे, भेल वाला आ रहा है। गाइस बहुत अच्छा है मोती दमन, और भेल खाओगे? मुझे नानी दमन से भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से? नानी दमन भी अच्छा है। भेल खाना पसंद है? तो चलिए, एक भेल वाले अंकल जी आ रहे हैं, उनसे खाते हैं भेल। वहाँ पे लड़कियों ने घेर लिया है उसको, अब आ जाएं इसके बाद में फिर कुछ तक खाते हैं थोड़ा बहुत, और पानी पीते हैं। थाक से बैठ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी लेना चाहिए दोस्तों, तभी तो कुछ बोल पाएंगे, है कि नहीं? हाँ। आप कमेंट करके बताइएगा। है हो गए, कमेंट ना करेंगे तो भी है, मैं मान ले। अभी तक कुछ भी नहीं खाए थे, टाइम भी हो गया ना, 2-4 घंटे हो गए, तो कुछ खाना चाहिए। हाँ सही बात। चलो आ जाओ अंकल जी, पानी पूरी ही खिला दो। चलो हाँ जी, तो क्या क्या रखे हैं बोलिए। चना दाल है, भेल है, सेव पूरी है, चना चटपटी है। अच्छा, पानी वानी है? हाँ। पानी भी है? सब है। अच्छा, पानी बाटल है? बाटल नहीं है। तो कहाँ पानी है, नहीं दिख रहा मेरे को।
चाय का पानी, पीने का पानी, पीने का पानी थोड़ी ना मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, कुछ खिला दीजिए जो सबसे अच्छा चीजें हो। क्या खिलाएंगे बता दीजिए पहले। दाल वाला बनाओ, दाल वाला सेव पूड़ी खिलाइए, भेल पूड़ी। तो अभी अंकल जी बना रहे हैं यहाँ पे, भेल पूड़ी बनवा रहे हैं और खाते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। पानी वानी प्यास लग गई है, पी लेते हैं पानी वानी, इसके बाद मिलते हैं। तो अभी हम लोग भेल खाने के बाद फाइनली पानी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर पानी तो मिल नहीं रहा था यहाँ पे, है ना। तो पानी ले लिए हैं, एक पानी पी रहे हैं। पानी पीने के बाद आप लोगों को चल करके दिखाते हैं। अभी तो अपन लोग एंट्री किए हुए हैं, अभी गए नहीं हुए हैं फाइनली, है ना। तो चलो पानी और लेना है बेटू। भाई इस रेस्टोरेंट में ना आप देखो को पंखा कितना बड़े बड़े लगे हुए हैं, जो हेलीकॉप्टर का फैन होता है ना उसी को यहाँ पे लटका दिया गया है, देखो मेरा पीछे। ठीक है चलो तो चलते हैं। मेरे को लगा इतना बड़ा पंखा जब चलता होगा ना तो ये जो ऊपर का जो ये चादर वगैरह है ना और जो टेबल कुर्सी रखे हुए हैं ये सब उठ करके समुंदर में उड़ के समुंदर में गिर जाता होगा। चलो अभी तो ठंडी है, अंदर चलाने के लिए बोलते मैंने, है ना, और देखते कैसा लग रहा है। चलो अभी चल करके चलते हैं, अंदर घुसते हैं, मैदान में उतरते हैं, तब फिर आप लोगों को मज़ा आएगा। तो भाई साहब यही वो रेस्टोरेंट है जो जो हेलीकॉप्टर का पंखा लगा हुआ है और ऊपर भी एक हेलीकॉप्टर का पंखा जैसा चल रहा है कुछ, अब क्या है पता नहीं। ठीक है बगल में एक जेसी भी चल रही है और ये है मोती दमन में, देखिए इंजॉय कैसे कर रहे हैं। भाई साहब तो क्या क्या यहाँ पे इक्विपमेंट है अपन लोगों के यहाँ राइड करने के लिए, पर पता नहीं क्या क्या है, अभी अपन लोग देख भी नहीं रहे हैं, यहाँ पे चल नहीं रहे। हाँ तो आओ नज़दीक से बताओ कैसे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? वो देखिए वही पहना रहे हैं सेफ्टी कोट, अब उड़ाएंगे। अच्छा चलो तब नज़दीक से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर नाव, काफ़ी सारे अंदर नाव चल रहे हैं और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे देख करके। और देखिए ये वाली गाड़ी अभी जाने वाली है, तो देखते हैं ये कैसे चलती है, इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं पहले, इसके बाद चलेंगे उड़ाने वाला। धक्का मार भाई है, यामाहा का है कुछ चीज़। हाँ अच्छा वो जो पंखी है वो पानी में राउंड मारेगा। भाई बहुत ही खतरनाक चल रहा है, अभी डर लग गया अपन लोगों को देखकर, दो लोग फेंका जाएंगे। चलिए अभी वो वापस आ रहा है, ठीक है देखते हैं किधर उड़ाने वाला है। ए भाई हट जाओ इधर, दूर हट जाओ और इधर आइए, अभी घुमाएगा ये, क्या कर रहा हूँ। तो भाई लोग इस बाइक में अभी ये लोग जा रहे हैं राइडिंग के लिए, देखो फुल इन्फॉर्मेशन अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। Yeah.
तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसको रिक्वेस्ट किया कि जाके मतलब राइडिंग करके आ जाओ नाव में या फिर बाइक से चल जाओ, तो ये तैयार नहीं हो रही है क्योंकि इसको डर लग रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इस वजह से मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए फाइनली आप लोगों को यहाँ पे देख करके अच्छा लगा होगा नज़ारे, और अभी चल के उस साइड में आप लोगों को बड़ी बड़ी नाव दिखाते हैं, तब चलो चलते हैं आगे, ठीक है। तो क्या है काफ़ी ज़्यादा मतलब ये क्या है ना कि बाकी लोगों को चलते हुए देख लिए, इसके लिए इसके अंदर जो है डर पैदा हो चुका है, तभी ये डर गई है पूरी तरह से। जैसे आप लोगों को दिखाया कि बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में लोग लेके जाते हैं और वहाँ पे पानी के अंदर ऐसे लहराते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि मतलब पलटी कर जाएगी बाइक जो है। तो ना बेटू तुम काहे के लिए नाव में नहीं गई? बहुत उड़ाता है बाबू इसको, अपने ग्रुप में मतलब एक दो लोग जब भरे रहते मेरे को डर लगने। तो ये बड़ी वाली एक नाव है यहाँ पे, चार्ज पूछते हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे लेके जाया करते हैं, तो इसमें चलते हैं हो सकेगा दो लोगों को लेके लेके चलते हैं। तब कौन है लेके चलने वाले हैं दो लोगों को? दो आदमी हैं चलेंगे? 200 कितना देर घुमाएंगे? वो झंडी लगी है ना वहीं सब बोटे जाती है, ये भी वहीं जाती है फास्ट वाली भी, हम भी वहीं जाते हैं, उसको घुमा के। हाँ 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 उसको घुमा के। चलिए तो फिर चलिए चलते हैं, बैठो चलिए। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं फाइनली जाने के लिए इस वाले नाव के अंदर। तो फाइनली अभी इस वाले नाव में हम लोग क्या है अभी चढ़ चुके हैं, तो बेटू यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम लोग क्या आमने सामने बैठ जाते हैं जिससे कि एक दूसरे को देखते भी रहेंगे। ये सामने शायद इसका स्टेयरिंग है और इस तरह से पहले धक्का देना पड़ता है इसको। फिर इंजन बाद में चालू करने का, ऐसा पहले धक्का लगाएंगे। ये है इंजन। ये देखिए वो वाला जो है नाव ना जो बाइक चल रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा था हम लोगों को। तो कैसा लग रहा है अभी बेटू तुमको बता बता? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। हाँ तो अभी इसको डर नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो दमन गंगा नदी है ना वो पूरा जहाज से ही भरा हुआ है, पूरा जगह जगह ही इस तरह का जहाज देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए पूरा लाइट बत्ती पूरा वहाँ पे लगा के रखे हैं, केबिन भी बना हुआ है, लाइटिंग का व्यवस्था है, यहाँ रहा जाता है, यानी कि ये जहाजें जब जाती हैं समुंदर के अंदर तो 15 दिन 20 दिन महीने दिन जब तक इन लोगों को बड़ा वाला जो मछली होता है क्या आप बोलते हैं उसको, तब तक के लिए ये रिटर्न नहीं आते वहाँ से। देखिए पूरा लाइट बत्ती और इसके बाद पूरा केबिन का सुविधा अंदर किया गया है, और यहाँ पे आने के बाद पूरा मछली ही मछली स्मेल कर रहा है। देखिए तरह तरह की जहाज़ हैं, एक 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 जहाज पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मतलब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अरे भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको मैं की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं नहीं छोटू ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।